वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एडसेक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। आप सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन का डीयू का एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से, तो जिनका भी एग्जाम है उनको तो पहले ऑल द बेस्ट है, लेकिन इन सभी वीडियो को देखकर जरूर जाएं। इन सभी में से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो अभी हम लोग चैप्टर क्लोज कर रहे हैं एमएस वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पे सुबह मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कि 50 प्रश्न दिए जा चुके थे वर्ड प्रोसेसिंग के वाले चैप्टर से, और ये दूसरा उसका पार्ट है जो कि हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर 15 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज को, और आप भी नीचे आंसर कमेंट करते रहिए। आप लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं आंसर्स को, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कमेंट करें। हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं जाए तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आपके साथ क्यूज अटेंड कर सके। चलिए लेकर चलते हैं उस सभी प्रश्नों पे दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब की इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और इसका पीडीएफ जो है, हर वीडियो का पीडीएफ जो है दोस्तों, आपको अगर चाहिए तो आप एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर वो वीडियो के लिंक के साथ इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज आपसे यहां पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल प्लस डी है अगर आप वर्ड की बात करें, यहां पर वर्ड प्रोसेसिंग की ही बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हां, फॉन्ट जो है डायलॉग बॉक्स का वो ओपन करेगा क्या, तो कंट्रोल प्लस डी जो है ये आपका क्या करेगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे, कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट यूज फॉर, चलिए ये किस लिए यूज होता है। ऑप्शंस आपके सामने है यहां पे दोस्तों, चारों ऑप्शन देख सकते हैं। यहां पे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कम से कम आंसर देने का। वर्ड प्रोसेसिंग में अगर कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं शॉर्टकट का, तो ये होता है दोस्तों ओपन फाइंड एंड द रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स विद द एक्टिविटी गो टू टैब। जी हाँ, ये फंक्शन होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का अगर यूज करते हैं तो कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, कंट्रोल प्लस एच की बात हो रही है यहाँ पे, जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोगों का वेट हो रहा है आंसर का यहाँ पे। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे डी, यानी कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स विद द रिप्लेसिंग टैब। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, नोट एक्टिविटी रिप्लेसिंग टैब। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सर्च बाई फाइंड, फाइंड के जरिए क्या सर्च किया जा सकता है। ऑप्शन है फॉर्मेट, कैरेक्टर्स के साथ, सिंबल्स के साथ, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहां पे डी, वो उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, फॉर्मेट, कैरेक्टर और सिंबल के जरिए हम सर्च कर सकते हैं बाय फाइंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट, विच ऑफ द पेज। देखिए, ऑन विच पेज हेडर और द फुटर, हेडर और फुटर के बारे में आपको पता है, वर्ड फाइल में जब भी आप पढ़ेंगे है ना, तो आपका जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पे, देखिए मैं आपको दिखला दूंगा, ये देखिए अगर आप इस पेज को देख रहे हो दोस्तों, तो ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है, बिहार बेल्ट्रॉन मॉडल सेट नंबर 15 चैप्टर वाइज एजुकेशन की 86, तो ये मैंने हेडर में लिखा है। वैसे आप नीचे आएंगे और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटरमार्क पे एजुकेशन की 86 लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, और ये नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे ये जो ज्वाइन टेलीग्राम @education_ki86 और वाइट एजुकेशन ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, तो ये आपको फुटर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हेडर और फुटर होता क्या है, ठीक है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको उस प्रश्न पे जो कि आपका प्रश्न नंबर था यहाँ पे फिफ्थ देखिएगा, तो ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर, ठीक है, इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट, तो आंसर कीजिएगा इन एवरी पेज, जैसे कि आप लोग हर पेज में उसको देखेंगे तो आंसर यहाँ पे एवरी पेज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस टूल बार्स अलाउ चेंजिंग द फॉन्ट एंड देयर साइज. विच ऑफ दिस टूल बार्स, कौन से वो टूल बार्स हैं जो कि अलाउ करते हैं इनके फॉन्ट्स को और इनके साइज को चेंज करने का. सिक्स का आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से यहां पे आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे. जी हाँ बिल्कुल बी जिनका उत्तर आ रहा फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर. द स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस. स्पेल चेक अगर आपको अपने कुछ टाइप किया है और उसका स्पेलिंग चेक करना है तो कौन सा फंक्शन की आप यूज करेंगे जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आप लोगों से उत्तर चाहते हैं हम यहाँ पे. जी हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे अगर सी उत्तर आ रहा आपका एफ सेवन इज द राइट आंसर. ये सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज के बारे में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे ये दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में. ठीक है ये वर्ड प्रोसेसिंग ही है. हाउ टू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स. वर्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाते हैं तो उसमें साउंड फाइल कैसे इंसर्ट करते हैं. चलिए तो जिनका उत्तर आ रहा है यहां पे बी फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन. जी हाँ फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन ये एक वे है जिससे के जरिए आप साउंड फाइल को डॉक्यूमेंट्स में यहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं. हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. चलिए हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ 50. नोट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार. तो आंसर हो जाएगा सी स्मॉलेस्ट इज 8 एंड द लार्जेस्ट इज 72. ओके अगला प्रश्न है हमारा व्हाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट. व्हाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट. जी हाँ बिल्कुल सही है जिनका उत्तर यहां पे सी आ रहा है टू बिगिन द पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर. जी हाँ आप कभी भी पैराग्राफ लिखेंगे तो जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं फुल स्टॉप के साथ वैसे ही आपका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर भी ये क्रिएट करता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्रो. मैक्रो क्या है दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिएगा. चार ऑप्शन है आपके पास यहां पे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. व्हाट इज मैक्रो. चलिए तो आंसर होगा डी स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क बाय यूजिंग वीबीए. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13. विच अमॉन्ग फॉलोइंग कैन बी वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम. विच अमॉन्ग फॉलोइंग कैन बी वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द कॉलम. कौन करता है तो आंसर है इट्स ए. नोट कर लीजिएगा इट्स ए मार्जिन इसको कहते हैं. अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे टू चेंज द टाइप फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट We will choose following menu option. जल्दी से आंसर कीजिएगा. To change the type face. देखिए type face को change करने है अगर documents में word documents की सिर्फ बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये word processing का chapter है. We will choose following the menu option. आंसर कीजिएगा दोस्तों it's a format. क्या होगा आंसर यहाँ पे D हो जाएगा. अगला प्रश्न है हमारा to auto fit the width of column. तो to auto fit width. जी हाँ ऑटो फिट होना किसका तो कॉलम का विथ विद है ना विथ विद यानी कि चौड़ाई. तो आंसर होगा इट्स बी यानी कि डबल क्लिक करने पर देन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम. ओके अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स. चलिए व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज. डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितने पॉइंट्स का होता है ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके. जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो ताकि वो भी लोग जुड़ सके हमारे साथ और आप क्यूज अटेंड कर सके यहाँ पे. चलिए 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी 12 पॉइंट. ठीक है नोट कर लीजिएगा. अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन
वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन वैलिड। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन वैलिड इज इन वैलिड। चलिए तो आंसर है इट्स ए सी ट्रिपल, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फॉर्मेट पेंटर टूल कैन बी फाउंड इन, फॉर्मेट पेंटर टूल्स कैन बी फाउंड इन। ऑप्शंस हैं आपके पास ऑप्शंस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार एंड द ड्रॉइंग टूल बार। तो आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इट्स अ स्टैंडर्ड टूल बार, नोट कर लीजिएगा आंसर यहां पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, वर्ड फाइल के लिए। तो देखिए डॉस हम लोग बार बार आपको बता चुके हैं पहले भी कि उसमें डॉस जो है DOC ये आपका एक्सटेंशन है किसका, तो वर्ड फाइल का। अगला प्रश्न है हमारा यू कैन जंप टू नेक्स्ट कॉलम बाय, आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हैं कौन से बटन को प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये दोनों ही सही है, यानी कि प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो के साथ आप नेक्स्ट में कॉलम में जंप कर सकते हैं, और क्लिकिंग विद द योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बताइएगा, विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस द स्ट्रेट कोट विद स्मार्ट कोट्स एज यू टाइप। चलिए कौन से फीचर का यूज करके आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने कोट्स को, कोट्स डबल डॉट में लिखते हैं ठीक है, डबल कोट्स में लिखते हैं उसको, टू स्मार्ट कोट्स। चलिए तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, ठीक है क्या होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग का होता है, जिसमें कि एक्सेल, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे वर्ड इन सब के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पे, और अच्छे खासे स्कोर करके आ सकते हैं आप वहां पे ठीक है। चलिए और इन सभी चीज़ों की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका एमएस वर्ड में ही कमांड नहीं है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का कोई चांस मत रखिएगा, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का सपना भी मत देखिएगा ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल प्लस डी अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन में, इट्स अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इन विच व्यू हेडर एंड द फूटर आर विजिबल, चलिए हेडर और फूटर के बारे में मैंने अभी बताया अभी आपको ठीक है। इन विच व्यू हेडर एंड द फूटर आर विजिबल, आंसर कीजिएगा इट्स अ प्रिंट लेआउट व्यू, लेआउट यानी कि बाहरी हिस्सा उसका है ना, जो उसका वर्ड के बाहरी हिस्सा ऊपरी और अंतिम हिस्सा पे ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ जी हाँ नोट कर लीजिएगा प्रिंट लेआउट व्यू, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट, अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है इमेज, तो ये कहलाता है दोस्तों क्रॉपिंग करना। जी हाँ आप अगर कोई फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं ठीक है, तो इस फोटो में आपकी तस्वीर है तो यहाँ से अगर बॉर्डर लाइन से मैं इतना ही चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, अनवांटेड पिक्चर है ठीक है, इसको हटा देगा। अगला क्वेश्चन द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड, चलिए तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स इंडेंशन, ठीक है माफ कीजिएगा इंडेंशन, इट्स अ डी ठीक है। अगला प्रश्न है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू द पैराग्राफ वी कैन प्रेस, सेंटर अलाइनमेंट यानी कि सीधे मध्य में पहुंचने के लिए ठीक है आप कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। चलिए तो ये उत्तर है यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टेस्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज,
तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ये आप अगर अपने किसी भी वर्ड को लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा माय वर्ल्ड, है ना, माय वर्ल्ड, तो इसको आप एक तो आप सिंपल डिफॉल्ट फॉर्मेट में देख सकते हैं, वरना स्टाइलिंग फीचर अगर यूज़ करेंगे तो इसको आप स्टाइलिंग फीचर में भी देख सकते हैं, कुछ तिरछी देख सकते हैं, कुछ उसमें एरियल ब्लैक में उसके फॉन्ट देख सकते हैं, उस तरह के, है ना, स्टाइलिंग जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे फीचर। तो ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है वर्ड आर्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये अभी बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 8, इट्स एंड नोट कहलाता है ये, ठीक है, एंड नोट। अगला प्रश्न है टू चेक लाइन हाइट टू द 1.5 वी यूज द शॉर्टकट की, टू चेंज द लाइन हाइट एंड हाइट टू द 1.5 वी यूज द शॉर्टकट की, तो आंसर कीजिएगा 29 का, इट्स द कंट्रोल प्लस 5, यह नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर दैट अपियर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, ये कहलाता है दोस्तों, इट्स अ सी सबस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वी कैन इंसर्ट अ पेज एट, चलिए 31 का आंसर कीजिएगा, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर, पेज नंबर इंसर्ट करना, जी हाँ, हेडर और फुटर दोनों में ही आप इंसर्ट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन कैन बी यूज एज अ वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, इट्स ए एंड बी बोथ, ठीक है, टेक्स्ट और इमेज दोनों ही, जिसपे आप वाटर मार्क दे सकते हैं या दोनों ही के जरिए दे सकते हैं। विच आइटम अपियर्स डायमंडली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, चलिए 33 का आंसर कीजिएगा, उसको कहते हैं हम लोग वाटर मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच फीचर स्टार्टेड न्यू लाइन वेन एवर अ वर्ड और सेंटेंसेस रीच्ड अ बोर्ड, चलिए तो 34 का आंसर कीजिएगा, विच फीचर स्टार्ट अ न्यू लाइन वेन एवर अ वर्ड और अ सेंटेंसेस रीच्ड अ बॉर्डर, बॉर्डर पर जैसी जाता है, तो ये है दोस्तों, इट्स ए टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय द सेलेक्टिंग, ऑप्शंस हैं नो लाइन, नो आउटलाइन, वाइट लाइन और नो बॉर्डर। वी कैन रिमूव, हम इसे रिमूव कर सकते हैं किसे, तो बॉर्डर्स को बाय द शेप ऑफ सेलेक्टिंग नॉन, नो आउटलाइंस, ठीक है, आंसर कीजिएगा नो आउटलाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर द व्यूइंग एंड द पेंटिंग इज कॉल्ड, चलिए क्या कहलाता है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर पेज ऑफ व्यूइंग द पेंटिंग इज कॉल्ड, इट्स अ ए ओरिएंटेशन, आंसर कीजिएगा, इट्स अ ए ओरिएंटेशन। 37 वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ लाइन, लाइन के थिकनेस को आप बदल सकते हैं किसके जरिए, थ्रू द लाइन स्टाइल, ओके, आंसर सी हो जाएगा। 38 व्हाट आइटम कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द समथिंग इन द टेक्स्ट, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 38 का आंसर कीजिएगा, व्हाट आइटम, कौन सा वो आइटम है जो कि कंटेन किया जाता है डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ अबाउट द समथिंग इन द टेक्स्ट ऑल्सो, तो उसे कहते हैं दोस्तों, इट्स अ बी फुट नोट्स कहते हैं उसको, ताकि एक्स्ट्रा जो बातें हैं आप उसको फुटनोट में लिख सकते हैं। विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच एज, विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, 39 का आंसर कीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही है, जिनका उत्तर आ रहा सी यहां पे, आप लोग भी उत्तर करते रहें और प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दें फिर से, ताकि आपके दोस्त लोग जो भी वीडियो देखें उनको ये क्यूज अटेंड कर सके, वो अटेंड उनको मिल सके, ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर उनके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर एंड द पैटर्न यूज टू फिल क्लोज शेप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये क्लोज शेप्ड, बिल्कुल जी हाँ, स्टाइल कहते हैं इसको, फिल स्टाइल कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41
यू कैन यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड द टू पेस्ट इट इज अ डॉक्यूमेंट. तो कौन कौन से ऑप्शन आपने यूज किए हैं 41 में. यू कैन यूज कंट्रोल प्लस सी फॉर द कॉपी, नोट करते रहिएगा, एंड द कंट्रोल प्लस वी सेलेक्टेड फॉर द पेस्ट. ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट. अगला क्वेश्चन, इच बॉक्स इन द सेपरेट सीट इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी स्पेस, सेल, रिकॉर्ड या फील्ड. देन इच बॉक्स इज सेपरेट सीट इज कॉल्ड सेल्स. ठीक है, याद रखिएगा सेल. अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ फाइल इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर हो जाएगा इट मस्ट बी गिवन अ नेम ऑफ टू आइडेंटिटी. जी हाँ, आंसर क्या यहाँ पे होगा, डी. जब भी आप नया फाइल सेव करते हैं तो उसका आपको नाम देना, एक यूनिक नाम देना बहुत ही अनिवार्य होगा, अन्यथा वो डिलीट कर दिया जाएगा. द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट डेटा ऑर्गेनाइज इन द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड व्हाट. जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों 44 का. जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, आंसर यहाँ पे ए होगा, इट्स ए स्प्रेडशीट. बिल्कुल ही स्प्रेडशीट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है. अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इट इज द प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज एडिटेड. अगर आपका प्रीवियस फाइल एडिट कर लिया जाता है और सेव किया जाता है तो क्या होगा. द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू द स्टोर चेंज, यानी कि दूसरी जगह पे उसको सेव किया जाएगा लेकिन आपका फाइल जो है वो फिर से सेव होगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट. चलिए 46 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, इट्स अ बी फाइल. जी हाँ, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूनिट ऑफ फाइल. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर द क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड द पेंटिंग पार्ट इज इंक्लूडेड. चलिए तो 47 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग. नोट कर लीजिएगा, ये सभी के सभी ओवरऑल है ना पार्ट्स जो हैं ये क्या है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के तहत होती है. अगला प्रश्न, अ फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज, एक फाइल किसी को रेफर किया जा सकता है. 48 का आंसर कीजिएगा एज ए डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, नोट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज कम एग्जाम्पल ऑफ अ, एग्जाम्पल ऑफ अ, जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी, हॉरिजेंटल मार्क सॉफ्टवेयर, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टू करेक्ट द स्पेलिंग इन एमएस वर्ड वी यूज, स्पेलिंग सही करने के लिए एमएस वर्ड में हम लोग किसका यूज करते हैं. चलिए तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे, स्पेल चेक. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्पेल चेक. तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में कुल 50 प्रश्न हैं, जितने भी उत्तर आप लोगों ने यहाँ पे दिए हैं इसमें कितने आपके सही हुए हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा. वीडियो को देखिए पूरा और इसके आंसर्स करिए, उसके बाद पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, शायद ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. ठीक है, तो कोशिश कीजिए, बहुत इजी चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग. एक वीडियो और मिलेगा इसका जिसमें कि ये चैप्टर समाप्त, सारी चीज़ें मैंने बता दी है इसकी. कल जो वीडियो मिलेगा उसके साथ साथ दो ऐसे चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा जो कि 80% आपके सिलेबस को ख़त्म कर देगा. रही बात 20% सिलेबस, वो सिलेबस थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके चलते 27 तारीख वाले स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसको भी पूरा करके दे दिया जाएगा ताकि जिनका एग्ज़ाम बाद में है उनको वो सारी चीज़ें मिल सके. तो कल का और परसों का दो दिन का क्यूज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा आप लोग. ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का.